नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन क्लिक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि RSCIT का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होना प्रस्तावित था, लेकिन अब देखिए 18 और 25 अप्रैल दो हैं। अब 18 अप्रैल को होगा या फिर 25 अप्रैल को होगा, इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो देखिए, इसके बाद अगर अपन बात करें तो 25 अप्रैल को अपना एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस दिन महावीर जयंती है, इसलिए अपना RSCIT का एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि रीट का एग्जाम भी इसी वजह से कैंसिल किया गया था। अगर अब अपन बात करें तो 18 अप्रैल को भी अपना RSCIT का जो एग्जाम है वो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के आदेश है कि COVID-19 है, इसके जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, इस वजह से 18 अप्रैल को भी कैंसिल कर दिया गया है अपना जो RSCIT का एग्जाम। अब देखिए, इस बैचेज में जुलाई 2019 से लेके दिसंबर 2020 तक के जितने भी बैचेज थे उनको शामिल किया गया था। नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 ये दो बैच न्यू थे, फ्रेशर थे। बाकी कभी का सेकंड अटेम्प्ट था, किसी का थर्ड अटेम्प्ट था, किसी का फोर्थ अटेम्प्ट था। इसके अंदर जो री एग्जाम के थे वो भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अब अगर अपन बात करें तो नई एग्जाम डेट क्या है, आगे एग्जाम कब होगा, तो देखिए इस बात की कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है कि अगला एग्जाम कब होगा, मई में होगा या फिर जून में होगा। देखिए मई में क्योंकि जितने भी अपने बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो होने की संभावना है, इसलिए मई में एग्जाम होने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन जून में अपना एग्जाम RSCIT का हो सकता है। अब जून में देखिए, दिसंबर 2020 तक के नहीं, आगे भी जो जनवरी 2021 है, फरवरी 2021 है, उनको भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो अपना RSCIT अप्रैल मंथ का जो एग्जाम था वो पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे एग्जाम के लिए जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसके लिए आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी के लिए अप्रैल में जो अपना एग्जाम होना था वो एग्जाम नहीं होगा। और RSCIT से रिलेटेड किसी भी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।